गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो SBT फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ब्रांच सिविल और मैकेनिकल है। सिविल ब्रांच को बच्चों को हाइड्रोलिक्स के पेपर में पढ़ना है और मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के पेपर में ये टॉपिक पढ़ना है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ ए फ्लूड फ्लो, और बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले डायनेमिक्स ऑफ फ्लूड क्या है या फ्लूड डायनेमिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारा फ्लूड जब फ्लो करता हो, जब फ्लूड मोशन में हो, उस समय यदि हम फ्लूड का स्टडी कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से कि उस फ्लूड के ऊपर में कितने तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, तो ऐसे स्टडी को हम कहते हैं डायनेमिक्स ऑफ फ्लूड। आ रहा मेरा बात समझ में? मतलब सीधे व्हेन द फ्लूड इज इन मोशन, व्हेन द फ्लूड इज फ्लोइंग, द स्टडी ऑफ फ्लूड विच इज इन मोशन by considering all the forces acting on the fluid is known as dynamics of flow। आ रहा मेरा बात समझ में? चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं, आपका डेफिनेशन पढ़ के आपको बता देते हैं। इफ द फ्लूड इज इन मोशन देन द स्टडी ऑफ द फ्लूड विच इज इन मोशन बाय कंसिडरिंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्लूड इज नोन एज फ्लूड डायनेमिक्स या डायनेमिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो भी कहा जाता है। अब देखिए फ्लूड के ऊपर में कितने तरीके के फोर्सेस लगते हैं जब भैया फ्लूड मोशन में होगा। देखिए फ्लूड फ्लो कर रहा है तो फ्लूड फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस के वजह से, मतलब फ्लूड के ऊपर में सबसे पहले तो प्रेशर फोर्स आएंगे। दूसरा, फ्लूड में पार्टिकल्स होते हैं जिनका अपना वेट होता है ना, तो वेट के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी फ्लूड के ऊपर में लगेंगे। तीसरा, जब फ्लूड फ्लो करता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को रेजिस्ट करता है ना, और जब रेजिस्टेंस होता है फ्लूड फ्लो फ्लूड के लेयर में है ना, और कौन ऑफर कर रहा है तो उसका एक एडजेसेंट लेयर ऑफर कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। मतलब हम लोग देख रहे हैं एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में एक विस्कस फोर्स लगाता है जिसके वजह से एक लेयर का मोशन दूसरे लेयर के द्वारा रजिस्ट किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर में एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है ना। अब फ्लूइड के पार्टिकल्स अगर कंप्रेसिबल है तो जब फ्लो करेगा तो किसी रीजन ऑफ स्पेस में हो सकते हैं पार्टिकल कंप्रेस हो जाएंगे, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर में कंप्रेसिबल फोर्स भी लगाता है ना। चौथा, पांचवा जो फोर्स है दैट इज टर्बुलेंट फोर्स। हम आपको बताए थे लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में कि एक वेलोसिटी होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। मान लीजिए फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होगा उसका वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से जब ज्यादा हो जाता है तो फ्लूइड के ऊपर में टर्बुलेंसी आने लगती है, फ्लूइड के पार्टिकल्स के ऊपर में टर्बुलेंस फोर्स जनरेट हो जाता है जिसके वजह से फ्लूइड का जो पाथ होता है वो जिगजैग हो जाता है। तो जब फ्लूइड मोशन में होगा और फ्लूइड का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होंगे तो पार्टिकल्स के ऊपर में फ्लूइड के लेयर के ऊपर में एक टर्बुलेंट फोर्स भी जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड जब मोशन में होते हैं तो कुछ इन पांच तरीके के फोर्सेस फ्लूइड के पार्टिकल्स के ऊपर में दैट इज फ्लूइड के ऊपर में लगते हैं, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स और टर्बुलेंट फोर्सेस। ठीक है, अब ये जो टोटल जो इन पांचों फोर्स का जो टोटल फोर्स होगा उसी को बोलते हैं नेट फोर्स, और नेट फोर्स को बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। एम क्या है भैया? मास क्या है? मास ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, और ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। तो आप कहिएगा नेट फोर्स दैट इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड दैट इज एम इनटू ए इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ जी प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ टी। एफ पी प्रेशर फोर्स, एफ जी ग्रेविटी फोर्स, एफ बी विस्कस फोर्स, एफ सी कंप्रेसिबिलिटी फोर्स और एफ टी टर्बुलेंट फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन में हमने कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को हटा दिया, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेगलेक्ट कर दिया, तो नेट फोर्स भैया हमारा क्या बनेगा? एफ पी प्लस एफ जी प्लस एफ विस्कस प्लस एफ टर्बुलेंट। तो इस इक्वेशन को कहते हैं रेनॉल्ड्स इक्वेशन। उसी तरीके से यदि इस इक्वेशन में टर्बुलेंट फोर्स और कंप्रेसिबल फोर्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया, If the turbulency and compressibility forces are negligible, then F net बराबर एफ पी प्लस एफ जी प्लस एफ बी, और इस इक्वेशन को कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? उसी तरीके से यदि कंप्रेसिबिलिटी
विस्कस और टर्बुलेंसी तीनों फोर्स जब नेग्लिजिबल हो जाएंगे, यहां पर लिख लीजिएगा या केवल विस्कस लिखे, नहीं विस्कस नहीं, कंप्रेसिबिलिटी भी, टर्बुलेंसी भी और विस्कस फोर्स भी जब नेग्लेक्ट हो जाएंगे तो भैया जो नेट फोर्स होंगे वो बनेंगे एफपी प्लस एफजी। और ये जो नेट फोर्स का ये जो इक्वेशन आ रहा है इसको बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन, और इसी इक्वेशन से अब हम लोग एक बर्नौलीज के इक्वेशन का रिजल्ट एक्सप्रेशन निकालेंगे जिससे पता चलेगा कि जब फ्लूड हमारा फ्लो कर रहा है तो बर्नौली इक्वेशन के आधार पर हम कहेंगे कि हमारा जब फ्लूड फ्लो करेगा तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, जिस तरह से कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। उसी तरह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, जिस पर चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इन सारी बातों को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे जो कि यूलर इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म होके आएगा, और देखेंगे आगे चल के कि बर्नौली इक्वेशंस जो है वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को वो फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा कोई स्ट्रीम लाइन है ना, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको स्ट्रीम लाइन के बारे में समझाया था। तो ये हमारा कोई स्ट्रीम लाइन है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। इस एलिमेंट को जब हम लोग बड़ा करके देखें तो हम लोग एज्यूम किए कि एलिमेंट हमारा सिलिंड्रिकल है, ठीक है। अब इस एलिमेंट का दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये इसका एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एक मान लीजिए रेफरेंस लेवल है जिसको बोलते हैं डेटम। डेटम से ये जो एलिमेंट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डीए है और जिसका लेंथ डीएस है, इस डेटम से इसके ए पॉइंट का जो दूरी है वो जेड वन है, और इस डेटम से जो बी पॉइंट का दूरी है वो जेड टू है। तो ये जो दूरी हुआ ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ जेड वन है, यहाँ से यहाँ जेड टू है, तो ये जो दूरी हुआ ये डिफरेंस इन द हाइट हो गया ऑफ ए एंड बी। इस डिफरेंस इन द हाइट को बोलेंगे डी जेड, दैट इज जेड टू माइनस जेड वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मानते हैं यहां पर जो फ्लूड अब चल रहा होगा, तो भैया यहां पर जो फ्लूड पर इस एलिमेंट पर जो प्रेशर होगा वो पी होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मान लीजिए आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, तो मान लेते ए से जब बी पर गया तो प्रेशर बढ़ा डीपी से, तो बढ़ के कितना हो गया, तो बोलेंगे पी प्लस डीपी हो गया। अब जैसे पी इस पॉइंट पर प्रेशर इधर लगा, इस पॉइंट पर प्रेशर किधर लगेगा, तो आपको हमेशा पता होगा प्रेशर पार्टिकल के तरफ लगता है, इसलिए यहां पर प्रेशर इधर लगेगा और यहां पर प्रेशर इधर लगेगा। अब इस एलिमेंट का जो अपना वेट है वो क्या है, डब्ल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इस बी पॉइंट का ये जो लाइन है ना, बी पॉइंट ये जो लाइन है, इस बी पॉइंट पर इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट हम क्या करेंगे, यूलर्स के इक्वेशन को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप ये ट्रायंगल पहले देख लीजिए, ए बी सी, यहां पर हमने बना दिया ए बी सी, थीटा किस पर है बाबू, बी पर है, और ए से बी का लेंथ कितना है, डीएस, ए से बी का लेंथ डीएस, अच्छा बी से सी का लेंथ कितना है, तो बोलेंगे डीजेड, बी से सी का लेंथ है डीजेड। तो कॉस थीटा पहले निकाल लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू डीजेड बाई डीएस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो लाइन ऑफ एक्शन है आपका, है ना, जिसके अबाउट फोर्सेस लग रहे होंगे पी प्लस डीपी, और इधर कितना लगेगा, अगर इधर डब्ल्यू है ये थीटा है तो इधर लगेगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और इधर कितना लगेगा पी। इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट हम यूलर्स इक्वेशन लगाने वाले हैं। तो यूलर्स इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, एफ पी प्लस FG बराबर नेट फोर्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। FP प्लस FG बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वेट बराबर क्या होता है, m इनटू g, आगे अभी जरूरत पड़ेगा ग्रेविटी फोर्स के लिए, अच्छा तो m इनटू g को क्या लिखेंगे, रो इनटू वॉल्यूम इनटू g, अच्छा वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया डीए है, लेंथ डीएस है, तो वॉल्यूम कितना होगा, डीए इंटू डीएस, तो वेट हो जाएगा रो इंटू डीए इंटू डीएस इंटू g, अच्छा ग्रेविटी फोर्स के लिए वेट का जरूरत था। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके लिए हमको एक्सेलरेशन का ज़रूरत है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे नहीं होता, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, है ना, अच्छा एक्सेलरेशन को लिखते हैं डी वी बाई बी डी टी, अगर हम डी एस से गुना भाग देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं डी एस बाई डी एस, तो अब ये हो गया डी एस बाई डी टी डी वी बाई डी एस। डी एस बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ए बराबर भी डी वी बाई डी एस, पहले ये सारा रिलेशन निकाल लेते हैं। अब आ जाइए यूलर्स इक्वेशन पर, देखिए यूलर्स इक्वेशन के
यूलर्स इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स बराबर नेट फोर्स। इस डायरेक्शन को मान लीजिए पॉजिटिव, तो बताइए इधर प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, प्रेशर पी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए है, तो इधर प्रेशर फोर्स लग रहा है पी डॉट डी ए, है ना। अच्छा, अब ये प्रेशर फोर्स का डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट है, इसलिए आप लिखेगा माइनस P प्लस डी पी इंटू डी ए, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए होगा। चलिए अब देखिए W cos थीटा इधर लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, है ना, तो आप लिखेगा माइनस W cos थीटा, माइनस क्यों लिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना उसके अपोजिट है। चलिए बराबर M इंटू एक्सेलेरेशन के बदले क्या लिखेंगे V dV by dS। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए पी डी ए माइनस पी डी ए कैंसिल आउट, माइनस डी पी डी ए माइनस रो, है ना, W cos थीटा के बदले क्या लिखेगा बताइए, रो डी ए डी एस इंटू जी कॉस थीटा फ्रॉम दिस W के बदले, बराबर M के बदले क्या लिखेगा, मास क्या होगा बताइए, रो इंटू वॉल्यूम, रो डी ए डी एस, रो डी ए डी एस वी इंटू डी वी बाई डी एस। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ जाइए देखिए डी पी डी ए, यहाँ भी डी ए है, अच्छा ये डी एस जो है कॉस थीटा के बदले डी जेड बाई डी एस आप पुट कर सकते हैं, यहाँ जो कॉस थीटा लिखे हैं इसके बदले डी जेड बाई डी एस पुट कर सकते हैं, तो आप पहले लिख लीजिएगा माइनस डी पी डी ए माइनस रो, ये माइनस डी पी डी ए माइनस रो डी ए डी एस जी कॉस थीटा, माइनस रो डी ए डी एस जी कॉस थीटा के बदले डी जेड बाई डी एस बराबर रो डी ए डी एस, रो डी ए डी एस इंटू वी डी वी बाई डी एस, यहाँ डी एस से यहाँ डी एस कट गया, यहाँ डी एस से यहाँ डी एस कट गया, अब देखिए डी ए कॉमन है डी ए डी ए डी ए, तो डी ए भी कट गया, डी ए भी कट गया, डी ए भी कट गया, तो अब क्या बचा भैया इसमें डी पी बचा, इसमें क्या बचा माइनस का रो, माइनस का डी पी बचा, यहाँ क्या बचा माइनस का रो जी, माइनस का रो जी और ये डी जेड। चलिए इधर क्या बचा भैया रो भी डी भी, रो भी डी भी, करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें रो से आप डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या आया माइनस का डी पी बाई रो माइनस का डी जी डी जेड बराबर भी डी भी। अब ये जो इक्वेशन है इसमें सबको इधर ले लीजिए, तो इधर हो गया जीरो, तो ये क्या बन जाएगा डी पी बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस भी डी भी बराबर जीरो, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा पी बाई रो प्लस जी जेड प्लस भी स्क्वायर बाई टू बराबर कॉन्स्टेंट, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम जी से भी डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा पी बाय रो जी प्लस भी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड बराबर कॉन्स्टेंट। मतलब ये बता रहा है कि जब हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा होगा, जब हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा होगा तो ये क्या है पी बाय रो जी क्या है प्रेशर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड है, वी स्क्वायर बाई टू जी क्या है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड है, जेड क्या है पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड है। मतलब जो टोटल एनर्जी होगा किसी भी फ्लूड पार्टिकल्स पर वो हमेशा क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट रहेंगे। इसका मतलब सीधे सीधी ये है कि मान लीजिए मेरा कोई पाइप है, इसके थ्रू यदि फ्लो ऑफ फ्लूड हो रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस वन पॉइंट और इसको टू पॉइंट माना जाए तो आप लिख सकते हैं पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू। मतलब अगर कोई लिक्विड किसी पाइप से फ्लो कर रहा होगा तो इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होंगे और इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होंगे वो क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब एनर्जी क्या है हमारा कंजर्वड है। तो बर्नौली इक्वेशंस से हमको ये पता चला कि जब हमारा कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर कहीं पर भी जो टोटल एनर्जी होता है वो हमेशा क्या रहता है कंजर्व्ड होता है। टोटल एनर्जी किसका सम है प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आ गया मेरा बात समझ में। तो इतने पॉइंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद बर्नौली इक्वेशंस में कुछ एजम्पशन हमको मानने होंगे जिसको हम लोग कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इतनी सारी बातों को आप लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बर्नौली इक्वेशंस के कुछ एजम्पशन को देख लेते हैं, है ना। जैसे पहला एजम्पशन है फ्लो शुड बी आइडियल, या फ्लो लिक्विड के रूप में, फ्लो लिक्विड को सिग्निफाई कर रहा है, फ्लो मतलब जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ना वो आइडियल होना चाहिए, दैट इज लिक्विड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, उसका डेंसिटी अपने फ्लूड फ्लो में बदलने वाला नहीं है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहने वाला है। दूसरा फ्लो शुड बी स्टडी, है ना, स्टडी फ्लो कैसा होता है ये आप जानते ही होंगे। चलो फ्लो शुड बी इनविशिड दैट इज इरोटेशनल, देखिए यूलर्स इक्वेशन में हमने विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, माना था कि विस्कस फोर्स नहीं है, विस्कस फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स होता है, जब पार्टिकल में इनविशिड मतलब नो विस्कस फोर्स, है ना, जब पार्टिकल्स पर
विस्कस फोर्स नहीं लगेंगे, तो पार्टिकल जब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो ये रोटेट करते हुए नहीं जाएंगे, मतलब फ्लो हमारा कैसा हो जाएगा, ये रोटेशनल हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल पर जब विस्कस फोर्स लगेंगे, सरफेस पर जब टेंजेंशियल फोर्स लगेंगे तो जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो ये रोटेट करते हुए जाएगा, है ना। फ्लो कैसा हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा। तो चूंकि ये फ्लो हमारा इनविशिड है, विस्कस फोर्स नहीं है, इसका मतलब फ्लूड का फ्लो बिल्कुल इरोटेशनल होगा। फ्लो मस्ट बी होमोजेनियस, मतलब फ्लूड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक समान होने चाहिए। तो ये कुछ एजम्पन्स हैं बर्नौलीज इक्वेशंस के, है ना। ये चार मार्क्स में आप लोगों से पूछता है, इसलिए सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो नए यूजर्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।